2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जिसके लिए अलीगढ़ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन कल 6 फरवरी को किया जा रहा है, जिसके लिए रामघाट रोड स्थित ताला नगरी पर कार्यक्रम स्थल बनाया गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में 12 जिलों से बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे। 2019 के चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी टिप्स देकर जीत के लिए कार्यकर्ताओं में दम फूकेंगे। कार्यक्रम स्थल पर 12 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे, जिसको लेकर जिले का पुलिस फोर्स और जिला प्रशासन लगभग अपनी तैयारियां पूरी करने में जुटा है। सुरक्षा के दृष्टिगत अलीगढ़ पुलिस ने 3 रूट डाइवर्ट किए हैं और भारी तादाद में पुलिस फोर्स लगाया गया है। 1000 सिपाही और 400 सब इंस्पेक्टर, 10 CO, 8 SP, 3 कंपनी PSC लगाई गई है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से ATS, NSG के जवान भी तैनात रहेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 40,000 लोगों की जुटने की संभावना है। सुरक्षा के एकदम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें जो है ये आप अभी हम यहाँ पे खड़े हैं मंच के बाएं तरफ, यहीं पे हेलीपैड भी बन रहा है, तो उसमें बकायदा हमारी सिविल पुलिस की पूरी फोर्स जोन से मंगाई गई है। तकरीबन 2000 के करीब में जो है हमारे पुलिस कर्मचारियों की डिप्लॉयमेंट हो रही है। उसके अलावा डॉग स्निफर्स हमने मंगाए हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, एंटी सबोटाज चेकिंग वाले भी मंगवाए हैं, कमांडो यूनिट्स हमारी जो SWAT यूनिट्स हैं वो भी आई है, और उसके अलावा जितने भी बंदोबस्त ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के है, डायवर्जन हम लोगों ने शहर के बाहर और शहर के अंदर करवाया है, और पार्किंग पॉइंट्स तकरीबन 600-700 बसें आएंगी, तो उनके पार्किंग पॉइंट्स हम लोगों ने चिन्हित किए गए हैं ताकि बिना किसी जाम के और बिना आम शहरी नागरिक को दुविधा हुए जाम की, हम लोग जो है इसको शांतिपूर्वक इस पूरे बंदोबस्त को करवा पाए। कितना यहाँ सर गैदरिंग हो जाएगा? तकरीबन 30,000 के करीब में बूथ कार्यकर्ताओं की गैदरिंग है, तो उसमें संभावना यही है कि सभी के सभी आएंगे। उसी हिसाब से आपने देखा होगा कि आगे जनसभा बहुत बड़ी, आगे 14 प्रकोष्ठ के करीब बनाए गए हैं, तो मंच के आसपास जनसभा में पूरी जगह हमने पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट करा है। पार्किंग हमने जो है टोटल 28 पॉइंट चिन्हित किए हैं बसों को और छोटी गाड़ियों को लेकर के, और उसके अलावा शहर से बाहर के डाइवर्जन पॉइंट्स हमने बनाए, जो क्योंकि 14 जनपदों के यहाँ पे बूथ कार्यकर्ता आने हैं, तो देहात से ही या बॉर्डर से ही जो है जनपद के हमारी ट्रैफिक व्यवस्था स्टार्ट कर दी जाए। हेलीपैड यहाँ पे ही बन रहे हैं दोनों, तो उसी हेलीपैड पे व्यवस्था हमारी जो रहती है, अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है, उसके बाद ही डिटेल में। भारतीय जनता पार्टी की सबसे निचली इकाई बूथ है, ऐसे बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन कल यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ब्रज क्षेत्र के पार है प्रशासनिक जिले और संगठनात्मक दृष्टि से 17 जिलों के बूथ अध्यक्ष यहाँ उपस्थित होंगे। बूथ प्रभारी भी उसमें बुलाए गए हैं। माननीय अमित शाह जी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो बूथ अध्यक्ष और बूथ प्रभारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।